न्यूज सच जरूरी है। दर्शकों, मैं अक्षा भाई अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर ने कोविड 19 मामलों की अच्छी रिकवरी दर्ज की। नागपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 7 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। इससे संचय वसूली 5,67,953 हो गई है। ठीक होने की अच्छी संख्या का सक्रिय मामलों पर असर पड़ता है। सक्रिय मामलों में हालांकि बढ़ने, लेकिन केवल 5 ही बढ़े हैं। गुरुवार को सक्रिय मामले 350 थे, जबकि शुक्रवार को ये बढ़कर 355 हो गए थे। जिले में एक ही दिन में 65 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और 18 व्यक्तियों ने नागपुर ग्रामीण में वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किए हैं, जबकि शहर में 46 नए मामले सामने आए हैं। इनके साथ ही संचयी सकारात्मक मामले 5,78,664 तक पहुंच गए हैं। जिले में कोविड 19 मामले से किसी की मौत नहीं हुई है। अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों की संख्या भी 6 से घटकर 4 हो गई है। मेडिट्री में सभी 3 रोगियों को छुट्टी मिल गई है, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 7 स्टार हॉस्पिटल, रेलवे अस्पताल और किंग्सवे अस्पताल में एक एक मरीज स्थिर है। रिकवरी रेट 98.21% रहा है। जिले में 1,899 परीक्षण किए जाने के कारण कोविड 19 परीक्षण में मामूली गिरावट आई है। नागपुर ग्रामीण ने 456 परीक्षण किए हैं और शहर में 1,443 परीक्षण किए गए थे, जो संचयी परीक्षण को 54,56,626 तक ले गया है। नागपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 60 व्यक्ति स्वस्थ हो गए। इससे संचयी वसूली 5,67,953 हो गई है। ठीक होने की अच्छी संख्या का सक्रिय मामलों पर असर पड़ता है। सक्रिय मामले हालांकि बढ़े, लेकिन केवल 5 ही बढ़े। गुरुवार को सक्रिय मामले 350 थे, जबकि शुक्रवार को यह बढ़कर 355 हो गए। जिले में एक ही दिन में 65 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। 18 व्यक्तियों ने नागपुर ग्रामीण में वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जबकि शहर में 46 नए मामले सामने आए। इनके साथ संचयी सकारात्मक मामले 5,78,646 तक पहुंच गए। जिले में COVID-19 मामलों से किसी की मौत नहीं हुई। अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों की संख्या भी 6 से घटकर 4 हो गई है। मेडिट्रीना में सभी 3 रोगियों को छुट्टी मिल गई है, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 7 स्टार अस्पताल, रेलवे अस्पताल और किंग्सवे अस्पताल में एक एक मरीज स्थिर हो गए हैं। रिकवरी रेट 98.21% रहा। जिले में 1,899 परीक्षण किए जाने के कारण कोविड 19 परीक्षण में मामूली गिरावट आई है। नागपुर ग्रामीण ने 456 परीक्षण पंजीकृत किए और शहर में 1,443 परीक्षण देखे गए, जो संचयी परीक्षण को 54,56,626 तक ले गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप को देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर भी जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहें MNS न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।